मैं थोड़ी हूँ। खुद तैयार हो रही है। हमारी फ्री की मेकअप आर्टिस्ट अभी मेकअप स्टार्ट कर रही है। I got time, it's clear to see. हमारी सुंदरी, अरे भाई दीदी डर जाए, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारी, हटो वंशिका रुक जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियोनिक व्लॉग। चैनल प्रियोनिक व्लॉग्स एंड आई एम प्रियंका, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 9 और रात के 9 बजे से मैं ये वाला व्लॉग आज का ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है 6th of June। तो गाइस, 6th of June में अभी ये स्पेशल क्या है, मुझे पता है कि मैं हर दिन आप लोगों के साथ में हमारे जो ये स्पेशल मोमेंट्स है, स्पेशल ओकेजन है, डेली शेयर कर रही हूँ। तो आज है 6th of June और 6th of December को हमारी शादी हुई थी और हमारी आज 6 months एनिवर्सरी है, मेरी और निक की 6 months एनिवर्सरी है। और ये बात मुझे पता कब चलता है, आफ्टरनून में। और जो मुझे याद दिलाने वाली जो है इतना स्पेशल दिन, वो है दीपाली। दीपाली ने मुझे तो गाइस मेरे साथ ये हुआ था, मैं कहानी शेयर करती हूँ। सुबह क्या हुआ था, निक ना दो बार चिल्ला के डेट बोल रहा था कि आज डेट कौन सी है, डेट कौन सी है। तो फादर इन लॉ ने जवाब दिया कि 6 तारीख है, 6 तारीख है। उस टाइम पे मैं बना रही थी दलिया किचन में, तो मुझे लिटरली याद भी नहीं है कि हमारा 6 months हो चुका है। तो उसने दो बार याद दिलाने की कोशिश करी, बट दीदी को लगा कि उनको कोई बिल पेमेंट करना है तो इसलिए वो याद दिला रहे, क्या डेट क्या है, डेट क्या है। निक मुझे लिटरली सुबह याद दिला रहा था। ये सब चीज़ें जो होती है ना, डेट्स याद रखना, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, तो गर्ल्स का तो काम होता ही होता है, उन्हीं को ही ज़्यादा मतलब पता रहता है। बट इस साल मैं देखती हूँ शादी के बाद निक बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और उसी को ही सब कुछ याद है। मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल रही हूँ इस साल सब कुछ, वरना मुझे एक एक डेट याद रख, हम दोनों में ऐसा था कि मैं एक एक डेट याद रखती थी। तो गाइज अभी जो है प्लान कुछ इस तरीके से है कि निक अभी है अपना ईयर दिखाने के लिए, कान दिखाने के लिए डॉक्टर के पास है दिल्ली कैंट में। वो वहाँ पर उसने अपॉइंटमेंट ले रखा था 2 दिन पहले से, तो आज अभी वो डॉक्टर के पास है। इसके बाद वो यहाँ अकेडमी आने वाला है। फिलहाल इस टाइम पे मैं अपने डांस अकेडमी में हूँ, डांस स्टूडियो में, और यहाँ पर हम दोनों मिलके कर रहे हैं केक की तैयारी। केक हमने मंगवाया है, मैंने ये केक मंगाया है बकिंगो का केक, अभी मैं खोल के दिखाने वाली हूँ। साथ में ये स्विगी से मैंने ऑर्डर करा है फ्लावर, इसके साथ ही फ्लावर का कॉम्बो मिल रहा था मुझे तो मैंने मंगा लिया। बट जो 6 और 10 फ्लावर के बंच का था ना रोज़ेस का, वो ज़्यादा कॉस्टली था तो मैंने सिंगल रोज़ मंगा लिया है। और केक भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऐसा है ना कि आज का जो डे है वो सारा का सारा, देखो याद तो मुझे दीपाली ने दिलाया, बाद में फिर मैंने दोपहर को विश किया निक को, ठीक है, निक मुझे फिर बाद में रियलाइज़ कराया मैंने कि तुम्हें मैंने सुबह याद दिलाया, ज़ोर ज़ोर से डेट बोल रहा था, तुम्हें याद ही नहीं है कौन से नशे करती हो, भयंकर नशे करने लगी हो, ये सब मेरे को सुनने को मिला। फिर उसके बाद अपना सारा का सारा काम कर लिया हमने, मतलब क्लासेस वगैरह जो भी थी, बैक टू बैक हमारे क्लासेस चलते हैं, तो बैक टू बैक क्लासेस के बाद अब जाके फाइनली 9 बजे हम फ्री हुए हैं। फ्री होने के बाद अब कुछ करने का मन है, सेलिब्रेशन करने का मन है, तो मैंने उसके लिए सरप्राइज़ में केक ऑर्डर कर लिया था स्विगी से। केक आ चुका है, अब निक आ रहे हैं। उसके
बाद का जो आगे का प्लान है वो सीरियसली मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं एक घंटे से दीपाली से पूछ रही हूँ, दीपाली प्लान क्या है बताओ, क्या करेंगे क्या करेंगे, और आज का जो डिनर डेट प्लान किया है वो दीपाली ने करा है, वो भी सारा सरप्राइज है कि हम किस जगह जाने वाले हैं वो भी नहीं पता हमें। दोपहर से ना जैसे ही पता चला 6 months हो गए शादी के, अलग सी एक एक्साइटमेंट आने लग गई, वरना एज यूजुअल हमारे दिन ऐसे ही जाते हैं। साथ में अभी मनीष भी है, मनीष बाहर है किसी से बात कर रहा है वो, तो बस ऐसे करके हम अपना आज का ये छोटा सा जो डे बचा हुआ है, आज के 6 months एनिवर्सरी का जो ये मोमेंट बचा हुआ है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बने रहिए गाइस आज के इस ब्लॉग पे, और ब्लॉग को वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बनाऊंगी, यहाँ लिखा हुआ है केक बेक लव, और यहाँ पर लिखा हुआ है द वे यू वी पैम्पर यू इट मेक अस फील अलाइव। साथ में ये रोज निक के लिए, बस अब वेट हो रहा है निक के आने का, विद इन 5-7 minutes में वो आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे का प्लान देखते हैं क्या होता है। दीपाली ने पता नहीं क्या प्लान करा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है, जीजू थोड़े लेट हो चुके हैं, बट स्टिल हमारी दीदी बहुत अच्छी है, उनको माफ़ करते हुए अब वो केक काटेंगी। अरे केक काटो, केक 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 काटो, केक हाँ। आप चाकू चाकू जरा गौर से देखिए, ये प्रियंका मैम दिन में सुबह ना फसूली का काम करती है, छुरी दिखा के फसूली मांगती है, और ये रहा केक। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Sorry, 6 months to you. ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को केक खिलाते हुए, यहाँ पे आप इस तरफ से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद यहाँ से आप चलते चलते आएंगे, यहाँ सामने से मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ आए, देन सबसे फर्स्ट रेस्टोरेंट यहाँ पड़ता है वो है सिंगलास। सिंगलास का जो है यहाँ पे उनका शॉप भी है, और बाहर यहाँ बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट भी है, और इनका जो ऊपर ये है यहाँ पे भी इनका रेस्टोरेंट है पूरा। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे KFC मिलेगा, ये रहा ये KFC है। उसके बाद आप और आगे जाएंगे, नीचे है एक हीरो होंडा का शोरूम है, शायद हीरो होंडा का ही शोरूम है। उसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए ये है बिग येलो डोर कैफे है, ये भी ये ऊपर है। एक और इटरी है जो कि है बीकानेर एक्सप्रेस, यहाँ पे भी सिंगला जैसा ही सामान मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी। ये बेला रोसा जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं, इसी के ऊपर जाके बेला रोसा के ऊपर जाके बारकोड कैफे पड़ता है, तो यहाँ पे पूरी ईटरीज की ही एक तरह से लेन बन जाती है। तो गाइस यहाँ पर टेबल पे हर एक चीज यहाँ पर पहले से ही रखा गया है, जैसे कि हर एक रेस्टोरेंट में होता है ऑब्वियसली, सैनिटाइजर, नैपकिन, स्पून, फोक एंड मसाले एंड ऑल, ये सारी चीजें। We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
नाउ गाइज मैं आपको यहाँ का टेस्ट के बारे में रिव्यू करती हूँ, फूड के टेस्ट के बारे में. एंड द टेस्ट वॉज वेरी वेरी यम्मी डिलीशियस. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ का खाना था गाइज. गो फॉर इट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है बेला रोसा Sector 9 द्वारका में. आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. हमने सिर्फ स्टार्टर्स में ही हमारा पेट भर गया था, तो हम मेन कोर्स तक नहीं गए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा था इसका. You.